हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इन डिटेल स्टडी करेंगे इरेशनल नंबर्स। सो व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? यू नो रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल दोनों कंबाइन होकर फॉर्म करते हैं रियल नंबर्स। रैशनल नंबर्स दे आर डिनोटेड बाय क्यू एंड इरेशनल नंबर दे आर डिनोटेड बाय क्यू डैश। इरेशनल नंबर्स मींस विच आर नॉट रैशनल। वो रियल नंबर्स जो रैशनल नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसको हम वेन डायग्राम में समझ सकते हैं। सपोज ये है रियल नंबर्स, ओके, एंड दिस सर्कल इज क्यू। क्यू मींस रैशनल नंबर। सो रियल में से जो रैशनल नहीं है इन्हें बाहर वाले, ये रियल है, ये रैशनल है। तो रैशनल जो नंबर्स नहीं होते, सो बाहर वाले नंबर्स क्या है? इरेशनल नंबर्स। सो नंबर्स विच आर नॉट रैशनल दे आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। अब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर जो होते हैं इनका डेसिमल फॉर्म टू टाइप का होता है। या तो ये टर्मिनेटिंग होते हैं लाइक 0.125, या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। फॉर एग्जांपल 0.12 बार मीन 0.12, 1212 एंड सो ऑन। बट इरेशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ना तो ये टर्मिनेट होते हैं ना ही इनमें रिपीटिशन होता है लाइक 4.15234078 सो ऑन। सो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग। एक एग्जांपल और लेते हैं 1.01001000102 3 4 एंड लाइक दिस। सो ये एग्जाम्पल्स है इरेशनल नंबर बिकॉज दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नाउ स्टूडेंट्स, वी नो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1, 4, 9, 16, ये सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, 16 का रूट 4, ये सभी रैशनल नंबर है। ऑल दीज आर रैशनल नंबर, ओके। बट जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जैसे 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, इनका जब हम रूट लेंगे तो ऑल दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। ये सभी नंबर्स कैसे हैं? इरेशनल नंबर्स, क्योंकि इनकी डेसिमल फॉर्म्स कैसी आएंगी? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। सो स्टूडेंट्स, रियल नंबर जितने भी होते हैं दे आर एसोसिएटेड विद यूनिक पॉइंट और नंबर लाइन। जब इन्हें हम प्लॉट कर सकते हैं किस पर? नंबर लाइन पर। रियल नंबर मतलब हम रैशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं और हम इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। तो आज हम ये भी सीखने वाले हैं कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। नाउ व्हेन वी एड रैशनल नंबर विद इरेशनल नंबर और सब्ट्रैक्ट रैशनल एंड इरेशनल, तो हमें रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। सपोज 3 कैसा नंबर है? रैशनल। रूट 5 कैसा है? इरेशनल। दोनों को ऐड करने पर क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर। ऐसे ही क्यू 2 है रैशनल, रूट 3 है इरेशनल, सब्ट्रैक्ट करने पर वी विल गेट इरेशनल नंबर। सिमिलरली व्हेन नॉन जीरो रैशनल नंबर, जीरो नहीं होना चाहिए, अगर कोई नॉन जीरो रैशनल नंबर है
उसे हम इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो आंसर में क्या आएगा? इरेशनल। एग्जांपल 3 और रूट 5, एक रेशनल एक इरेशनल, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? इरेशनल नंबर। 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 3, ये भी कैसा नंबर है? इरेशनल। अब अगर हम डिवाइड करते हैं 3 को रूट 5 से तो रिजल्ट क्या आएगा? इरेशनल। 2 को डिवाइड किया रूट 3 से, क्या आएगा? इरेशनल। सो एक रेशनल और एक इरेशनल को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो आंसर में आएगा इरेशनल नंबर। बट जब हम दो नंबर्स को प्लस दो इरेशनल नंबर्स को, when two irrational numbers are added, subtracted, multiply or divide, so उस केस में हमें रेशनल नंबर भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। नंबर आंसर रेशनल भी हो सकता है एंड इरेशनल भी। फॉर एग्जाम्पल 2√2 ये इरेशनल है, डिवाइडेड बाय √2 कैंसिल होकर कैसा नंबर मिल गया? 2। और अगर यहां पर होता 2√3/√2 तो ये कैसा नंबर हो गया? इरेशनल। सो जब दोनों नंबर इरेशनल होंगे तो आंसर रेशनल भी हो सकता है एंड इरेशनल भी, लेकिन एक रेशनल एक इरेशनल तो आंसर फिक्स है, कैसा आएगा? इरेशनल। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर रिलेशन ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब वो रेशनल हो या फिर इरेशनल। सो फर्स्ट इज, अगर ए एंड बी कोई भी दो रियल नंबर्स है देन ओनली वन ऑफ द रिलेशन होल्ड्स गुड, दैट इज या तो दोनों नंबर इक्वल होंगे या फिर बी ग्रेटर होगा ए से या फिर ए ग्रेटर होगा बी से। दो नंबर में ऑर्डर रिलेशन क्या हो सकता है? या दोनों इक्वल हो, या पहले वाला नंबर छोटा हो सकता है बड़े दूसरे से, या फिर पहले वाला नंबर दूसरे से ग्रेटर हो सकता है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज है। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर ए बी से लेस है एंड बी इज लेस देन सी, सो देन ए क्या होगा? लेस देन सी ऑल्सो। सपोज ये तीन नंबर है, अगर दूसरा नंबर पहले वाले से बड़ा है, तीसरा नंबर दूसरे वाले से बड़ा है तो तीसरा नंबर पहले वाले से भी बड़ा होगा। एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं 1, 2, 3। अगर 2 ग्रेटर है 1 से एंड 3 ग्रेटर है 2 से तो इसका मतलब 3 किससे ग्रेटर होगा? 1 से भी ग्रेटर होगा। आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर, इफ B is greater than A, तो दोनों में अगर हम सेम नंबर ऐड करेंगे तो ऑर्डर रिलेशन सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यही लेते हैं 1 less than 3 और वी कैन से 3 is greater than 1। अगर हम दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे तो भी रिलेशन क्या रहेगा? सेम, 2, 4, 4 greater than 2। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, इसे बहुत ही ध्यान से समझना है। ये प्रॉपर्टी बहुत ही कंफ्यूजिंग है और गलती यहां पर होती है। ऑर्डर रिलेशन में दिया हुआ है कि बी जो है वो ए से ग्रेटर है। अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 5 is greater than 2, ओके। नाउ केस 1, सी इज ग्रेटर देन 0, मतलब अब मैं दोनों साइड किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ 3 से। सो 2 × 3 = 5 × 3, ये कितना हो जाएगा? 15। ये कितना हो जाएगा? 6। तो यहां पर ऑर्डर रिलेशन सेम रहेगा, दैट इज सी से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, अगर बी ए से ग्रेटर है तो बी सी भी ए सी से क्या होगा? ग्रेटर। लेकिन कब? अगर सी कैसा नंबर है? पॉजिटिव। नाउ इफ सी इज नेगेटिव नंबर, अगर सी कैसा नंबर है? नेगेटिव नंबर है। मैंने यहां पर सी ले लिया -3,
तो यहाँ पर 2 × −3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, −6। 5 × −3 कितना हो जाएगा, −15। तो ये ऑर्डर रिलेशन, अब कौन सा ग्रेटर है, −6 ग्रेटर होता है या −15, −6। तो ये साइन बदल जाएगा। सो अगर बी ए से ग्रेटर है और सी अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो उस केस में ए सी ग्रेटर हो जाएगा किससे, बीसी से। ये साइन जो है बीच वाला ये चेंज हो जाएगा, नेगेटिव के केस में, पॉजिटिव के केस में सेम रहेगा। तो फोर्थ जो पॉइंट है प्रॉपर्टी, इसको बहुत ध्यान में रखना, सी नेगेटिव है या पॉजिटिव। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, ये हम पहली बार कर रहे हैं अभी 9th स्टैंडर्ड में। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। अभी हमने रियल नंबर पढ़े, रैशनल, इरेशनल, √2, √3, √5, √7, ये सभी क्या है, इरेशनल नंबर। लेकिन अगर स्क्वायर रूट में माइनस साइन आ जाए, सपोज √-3, तो इट इज नॉट रियल, ना तो ये रैशनल में आएगा ना ही इरेशनल में, इट इज नॉट रियल। अब नॉट रियल मीन्स आगे जाकर पढ़ोगे तुम 11th स्टैंडर्ड में, इट इज इमेजिनरी, जो रियल नहीं है, जो वास्तविक नहीं है, वो काल्पनिक होगा, दैट इज इमेजिनरी। ओके, सो इट्स नॉट रियल, इट इज इमेजिनरी। अब एग्जाम्पल लेते हैं, क्यों रियल नहीं होता, इसका क्या रीजन है कि अगर रूट में नेगेटिव साइन आ जाए देन इट इज नॉट रियल। सो स्टूडेंट्स यू कैन सी √3, सपोज इट इज इक्वल्स टू एक्स। सो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, इधर भी स्क्वायरिंग करेंगे और यहां पर भी स्क्वायरिंग करेंगे, तो एक्स का स्क्वायर √3, अभी तुम और आगे जाकर देखोगे रूट का स्क्वायर करने पर रूट रिमूव हो जाता है, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। ओके, बट अगर मैंने √-3 लिया =y, सो स्क्वायरिंग करने पर क्या आएगा, y² = −3, विच इज नॉट पॉसिबल। अब मैंने नॉट पॉसिबल क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4, मतलब प्लस का 4 आता है, और जब हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो भी पॉजिटिव नंबर आता है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं मिल सकता, और यहां पर हमें क्या मिल रहा है, वाई का स्क्वायर कितना मिल रहा है, −3, तो विच इज नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल रियल नंबर्स में हो ही नहीं सकता, इसलिए बस इतना ध्यान रखना है स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट रियल। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हमने आज डिस्कस किया बेसिक्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.2। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेने वाली हूँ प्रैक्टिस सेट 2.2। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। Students, keep watching and keep learning.